सन टू ह्यूमन फाउंडेशन की अगुवाई में आज इंजीनियर राजेंद्र जैन एवं केपी शंखवार द्वारा आपकी जन अदालत न्यूज के चैनल हेड राजा भैयापाल का ग्वालियर एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। इस दौरान ग्वालियर से कलकत्ता की यादगार हवाई यात्रा में आज हम आपको बताएंगे सन टू ह्यूमन फाउंडेशन किस तरीके से देश में काम करता है। आपकी जन अदालत न्यूज का देखिए खास इंटरव्यू। मेरी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैयापाल और मैं इस समय ग्वालियर टू कलकत्ता के लिए हूँ और कलकत्ता जा रहा हूँ। स्पाइस जेट हमारी फ्लाइट का नाम है जो कि अभी रनवे पर है और आज हम इंटरव्यू पहला इंटरव्यू होने जा रहा है स्पाइस जेट फ्लाइट में। और इस फ्लाइट में आज के हमारे जो गेस्ट हैं टू ह्यूमन फाउंडेशन की यात्रा पर जा रहा हूँ और 3 दिवसीय हमारी ये यात्रा है और इस 3 दिवसीय यात्रा को यादगार बनाने के लिए कुछ खास लोग हैं जिन्होंने हमारी इस यात्रा को यादगार बनाया है। राजेंद्र जैन साहब और केपी शंखवार साहब ये दोनों ही मेहमान हमारे आज स्पाइस जेट फ्लाइट के मेहमान हैं और पूरी फ्लाइट जहाँ तक देखो आप खाली पड़ी हुई है। ये हम भाग्यशाली हैं कि इस फ्लाइट हम लोगों के लिए खास तौर से यहाँ पर हम लोगों के लिए रखी गई ऐसा लग रहा है, लेकिन सीटें खाली हैं। और बात करते हैं राजेंद्र जैन साहब, क्या कहेंगे सर? राजा भैया, आपको और आपकी जन अदालत न्यूज चैनल को मैं कृतज्ञता से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप समुद्र तल से लगभग 12,000 फुट ऊपर थे हम सबको इंटरव्यू ले रहे हैं, हम सब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं सेंट ह्यूमन परिवार से जुड़ा हुआ हूं और पूरा सेंट ह्यूमन परिवार आपको कोलकाता में आपकी जन अदालत चैनल को कोलकाता में देखना चाहता है। आपको आमंत्रित किया गया है और आपने हम लोगों को समय दिया, मैं आपको पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप मेरे छोटे भाई हैं और ये यात्रा जो आपने पहली बार फ्लाइट से किया कोलकाता से आप, और ये चैनल अब पूरी धरती पर गूंज मारेगा आपकी जन अदालत सन टू ह्यूमन फाउंडेशन के लिए जो कवरेज करने जा रहे हैं। और अभी हमारा आतंकवाद आपका, हमारी धर्मपत्नी जी का जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं समुद्र तल से लगभग 12,000 फुट ऊपर से हमारा फ्लाइट गुजर रहा है और आप और आपका चैनल में है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। भावनात्मक जो रिश्ते आप हमारे बीच है छोटे भाई के रूप में, मैं यही गुजारिश करता हूँ पूरे सेंट ह्यूमन परिवार की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से शंखवार साहब की तरफ से कि आपका चैनल पल प्रतिपल ऐसे ही फ्लाइट से हवाई में हम सब लोगों का इंटरव्यू लें और आपका चैनल शिखर पर पहुँचे, इसी भावना प्रार्थना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक सवाल करना चाहेंगे, सन टू ह्यूमन फाउंडेशन क्या है और ये देश में किस तरीके से देश के लिए कुछ ऐसा कर पा रहा है जिससे देश का भला हो जाए? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। इस फ्लाइट से मैं बताना चाहता हूँ कि सन टू ह्यूमन का जो प्रमुख परम धाम सन टू ह्यूमन शेजवानी धाम में है, उसके हमारे गुरु जी हमारे पूजनीय परमाले जी हैं, उन्होंने अपने 25 साल तप और साधना से अल्कलाइन ब्रेकफास्ट तैयार किया है और कुछ क्रियाएँ तैयार की हैं जिसको पैकेज के तौर पर वो है पूरे मानव जात को विकसित करने के लिए, मानव जात को स्वच्छ करने के लिए, चेतनावान ऊर्जावान बनाने के लिए पूरे पृथ्वी पर निरंतर शिविर ले रहे हैं। उसी तारतम्य में आज कोलकाता में हम लोग जा रहे हैं। यह शिविर 9 सितंबर से 14 सितंबर तक लगेगा और परमाले जी के जितने भी परम मित्र हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। हम लोग भी ग्वालियर तालचंद नगरी से फ्लाइट थे आपके न्यूज चैनल के साथ, आपकी जन अदालत न्यूज चैनल के साथ फ्लाइट थे वहाँ पहुँच रहे हैं। और यह वह सन टू ह्यूमन फाउंडेशन है, इसके प्रयोग से यहाँ प्रयोग कराए जाते हैं, कोई प्रचंड नहीं जाते हैं, 100% विकसित होते हैं। जैसे मैं हुआ, मैं 5 साल पहले बहुत बीमार रहता था और आज मैं 100% ऊर्जावान हूँ। यह चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कोलकाता वासियों से कि आप आए और देखें इस शिविर को, इस शिविर में निश्चित आपके अंदर आपके परिवार के अंदर 100% ऊर्जा आनंद संस्कार पैदा होंगे। थैंक यू। तो राजेंद्र जैन साहब स्पाइस जेट फ्लाइट में हमारे साथ इंटरव्यू के में बने हुए थे और हमारे साथ केपी शंखवार जी जुड़ेंगे, उनसे बात करते हैं, वो घूमते रहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनसे बात करेंगे। सर आप क्या कहेंगे? राजा भैयापाल आपकी जन अदालत के न्यूज चैनल के हेड हैं तो ये भी हमारे साथ सन टू ह्यूमन से जुड़ गए हैं, जो हमारे छोटे भाई के समान हैं।
हम इनको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम इनको जो है ना परमाले जी के सन टू वुमेन जो चैन कैंप लग रहा है 9 से 14 सितंबर कलकत्ता में, तो हम इनको जो है ना वहाँ से हमको बुलाया जा रहा है, तो साथ में जो है इनको चैनल हेड को भी बुलाया जा रहा है आपकी जनता, तो राजा भैया भी उनके निमंत्रण पे हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं। हम पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं और ये चैनल सन टू वुमेन के लिए काम कर रहा, अच्छा काम कर रहा है, इसकी खबरें जो है ना लगातार लोगों को मिल रही हैं, लोगों को इस चैनल के माध्यम से सन टू वुमेन का जो प्रयोग है मानव जीवन के विकसित करने के लिए, जिसमें जिंदा आहार, जिंदा व्यायाम और सही निद्रा के लिए प्रयोग बताए जाते हैं, और इससे लोग जुड़ के अपने जीवन में सरल और आनंद ही आनंद प्राप्त करते हैं। चैनल के माध्यम से राजा भैया दिनों दिन निरंतर ऊंचाइयों पे पहुँचे हैं, जैसे और भी चैनल हैं। हमारी इच्छा यही है कि ये पूरा जो है ना पूरे भारत में इनका जो है ना न्यूज चैनल विकसित हो और लोग इनको जानें, हमारी यही कामना है। और सन टू वुमेन के लिए अगर ये अच्छा काम करते रहे, परमाले जी के लिए काम करते रहे, हमारी ऐसी भावना है और हमारा ऐसा इनसे प्यार है, हम यही चाहते हैं। हम धन्यवाद कि ये मध्य प्रदेश में जाना जाता था, अब ये चैनल पूरे देश भर में जाना जाएगा, क्योंकि मैं अब कलकत्ता जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि सन टू ह्यूमन फाउंडेशन परम पूज्य परमाला जी की कृपा से ये चैनल एक दिन पूरे विश्व में जाना जाएगा। ऐसा मैं के पी शंकुवार साहब से निवेदन करता हूँ। सर, जो सन टू ह्यूमन फाउंडेशन है, आपको लग रहा है पूरे वर्ल्ड में जाएगा एक दिन? जी हाँ, हमारे ऐसे प्रयास है कि प्रथम बार हम इनको सेजवानी ले गए थे, जहाँ से इन्होंने पूरा प्रसारण किए थे, वहाँ के पूरे कार्यक्रम हम लोगों के प्रसारण किए थे, तो पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे चैनल के हेड उस माध्यम से सभी जगह फैले। अब ये जो है ना उससे निकल के मध्य प्रदेश से निकल के बाहर ये प्रथम जो कैंप लग रहा है कलकत्ता में, तो ये चैनल के माध्यम से वहाँ से पूरा प्रसारण करेंगे और पूरा ये जो है ना जन जन तक पहुँचेगा, पूरे विश्व में छाएगा। और अगले कैंप जो है ना हैदराबाद लग रहा है, वहाँ में भी ये चैनल जाएगा, आपका ये जयपुर में भी लगेगा, पूना में भी लगेगा, उदयपुर में भी, जैसे जैसे कैंप लगेंगे और ये वहाँ जाके अपने सन टू वुमेन का जो कार्यक्रम है, उनके यहाँ शिविर है, ये पूरी जगह ऊर्जा के हमारी जो ऊर्जा है वो चारों जगह जो है ना पूरे विश्व में फैलाएंगे। बस ये हम चाहते हैं कि इनका चैनल जो है ना हमारा ये पूरा इसके माध्यम से हम लोगों का पूरा जो जानकारी विश्व में पूरी फैले और हमारी ऊर्जा पूरी फैले, ये हम बिल्कुल। तो हम लगातार बने हुए हैं स्पाइस जेट फ्लाइट में, हमारा इंटरव्यू आपकी जन अदालत न्यूज पर जुड़ा हुआ है, और ये लोग उन लोगों की भी मदद करते हैं जो लोग सक्षम नहीं हैं, उनके लिए भी ये लोग प्रयास करते हैं कि निम्न वर्ग के लोग, गरीब लोग और ऐसे लोग जो परम पूज्य परमाला जी की छाया में पूरे देश में अंधेरे को प्रकाश में बदलना चाहते हैं, ये दोनों ही शख्सियत पूरे देश में प्रकाश फैलाना चाहते हैं, पूरे देश को ऊर्जा देना चाहते हैं। ये दो वो परम पूज्य परमाला जी के वो भक्त हैं जो अपना धन खर्च करके दूसरे लोगों की सेवा करने में लगातार जुड़े हुए हैं। वो सही निद्रा इस फाउंडेशन पर वो काम कर रहे हैं और निरंतर शिविर लग रहे हैं, उसके माध्यम से पूरे मानव जात को आज लाभ मिल रहा है, जिसकी आज महती आवश्यकता है। और मैं पुनः आपसे बता देना चाहता हूँ, आप जो कोलकाता में जा रहे हैं, यहाँ से पूरे दुनिया के लिए मैसेज आएगा सन टू वुमेन का और आपकी जन अदालत का, आपकी जन अदालत पूरे पृथ्वी पर फैले, ऐसी हमारी भावना है, ऐसा मेरा संकल्प है। मेरा पूरा जीवन सन टू वुमेन के लिए और अपने मित्रों के लिए, आपके चैनल के लिए समर्पित है। राजा भैया आप हमारे साथ हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है कि जन अदालत न्यूज चैनल का भविष्य तय करेगा कि ये आपकी जन अदालत न्यूज आज इंडिया में है और कल वर्ल्ड में जाएगा, क्योंकि आप परम पूज्य परमाला जी के भक्त हैं ये, जिनका मकसद है पूरे देश में अंधेरे से प्रकाश में बदलना। जन अदालत न्यूज को लगातार देखते रहिए और आपकी जन अदालत न्यूज पर नियमित खबरों के लिए जुड़ने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज में जो सब्सक्राइब बटन है इस पर आप क्लिक करें और लगातार अपडेट पाने के लिए घंटी दबाना मत भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।
इसके साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज़ को, और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज़ हरदम आपके साथ खड़ा है। जय हिंद।